বা কিছু বলছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। না, গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আচ্ছা রেকর্ডিং স্টার্টেড, আই থিঙ্ক রেকর্ডিং মেসেজ মিলা হবে, দেখি কথা। ওকে স্যার, ওকে স্যার, এগেইন গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। ঠিক আছে, সো ক্যা হোগা স্যার, ইকুইটি ডেরিভেটিভ, इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग अभी आजकल बात चल रहे हैं सर ऑप्शंस पे, और ऑप्शन से कंटिन्यू करेंगे आज भी, एक एक करके ऑप्शंस का एक एक पॉइंट पे हम लोग इंडिविजुअल डेप्थ को डेवलप करने की पूरा कोशिश में लगे हुए हैं सर। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट वीक एंड लास्ट क्लास, ठीक है, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने पुट स्टार्ट किया था, है ना सर, पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस में क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर कल का चर्चा था, मतलब यस्टरडे का डिस्कशन उसी पॉइंट पे थे। लेकिन सर आज भी ना कॉल और पुट को लेकर ही बात होगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं पुट ऑप्शन सेलर के बारे में भी बात करूंगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सर पुट बाय करना सीखे हैं बट पुट सेल करना नहीं सीख पा रहे, तो मैं आज पुट सेल के बारे में बात करूंगा। ऐसे इज अ वेरी इजी थिंग, अगर आपको पुट बाय समझ में आ गया तो पुट सेल दिक्कत नहीं करेगा, बट फिर भी एक होता है ना सर, मतलब फॉलो कुछ रूल फॉलो करना चाहिए कि सर पुट बाय हुआ है तो फिर पुट सेल भी बता दो, तो मैं आज पुट सेल पे बात करूंगा, और उसके बाद ग्राफिकली एक कॉल ऑप्शंस बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शंस बायर, पुट ऑप्शन सेलर, इनका ओवरऑल एक कंपैरिजन करेंगे, ठीक है कि, और ये कंपैरिजन इसलिए जरूरी है, इसलिए ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके देता है। मार्केट ऑलवेज एक नहीं रहता, मार्केट में ऑलवेज एक वोलेटिलिटी रहता है, देयर इज अ डेविएशन इन द मार्केट, मार्केट फ्लक्चुएट करता है, सो फ्लक्चुएटिंग मार्केट में, या फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर कोई इंडिविजुअल स्टॉक, ठीक है, ईच एंड एवरी केस में आपका मेंटेलिटी ये ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे काम करेगा, इसीलिए ये चर्चा है, ठीक है, ये डिस्कशन इसीलिए है। तो चलो ठीक है, अभी तो बस डेवलप करने का टाइम है, पहले डेवलप कर लेते हैं। सर मार्केट कहाँ जा रहे हैं आजकल? आज तो थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी भी है, निकली एक्सपायरी भी है सर। निफ्टी, ये देखो सर, निफ्टी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी में फिर से एक ग्रोथ आने वाला है, ऐसा लग रहा है। आप मिनट का चार्ट से देख सकते हो, मिनट चार्ट क्या बता रहा है, मिनट चार्ट तो सुबह से मार्केट को नीचे ही धकेला है सर, 15 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे, बट चांसेस इज वेरी हाई कि थोड़ा सा और आई थिंक बेरिश होगा, उसके बाद मार्केट में भी मूव ऑन करेगा, कि प्रॉपर कैंडल तो अभी भी मुझे दिख नहीं रहा है, दोनों कैंडल ही मार्केट को नीचे ही धकेल रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी कैंडल स्टिक का क्लास तो ये है नहीं, बट फिर भी मार्केट को थोड़ा ट्रैक कर लिए, निफ्टी 17629 पे है, सेंसेक्स, सेंसेक्स कहाँ है सर? हाँ बोलो दादा, और ऐसे इन्वेस्ट करा कि ठीक है? किसे? TCS, TCS, TCS है, एक तो फॉलो कर, ठीक है, टाइम अच्छे, मैंने आईटी स्टॉक गुलो का मैं तो कल की बोल रहा, आईटी स्टॉक गुलो के फॉलो कर, एक तो देख यदि प्रॉपर कैंडलस्टिक्स देखते पास तले एंटर कर भी, मैंने बुलिश कैंडल देख ली एंटर कर, यदि जब भी देखोगे कि देयर इज समथिंग बुलिशनेस इन द मार्केट एंटर कर जाना, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपको मार्केट में थोड़ा सा अभी भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, मैंने ग्रुप में एक शेयर किया, इंडिया में जो पॉपुलर आईटी कंपनीज हैं, लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप स्मॉल कैप, सभी कंपनीज का डेटा लिया, सभी आईटी कंपनीज डाउन में है, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस दैट इज बेसिकली अमेरिकन इश्यूज है सर, ठीक है, अमेरिकन मार्केट खराब जा रहा है तो आईटी का बिजनेस में प्रॉब्लम है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सभी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाओ सर, मैं देख लेता हूँ एक बार,
टीसीएस का क्या सिचुएशन लग रहा है, बट एकदम पैसा जमाना चालू कर दो बस, इतना मैं जरूर बोलूंगा ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो सर, मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा नीचे जाएगा। ये देखो सर, टीसीएस आज आज भी डाउन ही है, 3086 में चला गया। मैं उस दिन भी, जिस दिन मुझे पीयूष ने शायद बता रहा था कि सर टीसीएस में ट्रेड लेना है, प्रॉफिट किया है, मैं बोला था कि सर अभी मत करो। देख पीयूष अगर ट्रेड लेता तो अभी लॉस में चला जाता। हाँ पीयूष। हाँ सर, मार्केट का हमने जांच नहीं की। और उसके पीछे मेन रीजन नहीं था कि तुम्हें ये सोचना चाहिए था। मानता हूँ कि सर उस टाइम पे प्रॉफिटेबल सिचुएशन था, बट मार्केट एक्सपेक्टेशन इससे भी हाई था। मतलब हम लोग ना थोड़ा सा प्रॉफिट, और ये टीवी वाले ना, मतलब टीवी वाले मतलब मैं कहना चाहता हूँ मीडिया, छोटा सा बात को ना बढ़ा चढ़ा के बोलता है ठीक है। मतलब ये उनका काम है बेसिकली, कंपनी से उनको भी मिलता है पॉजिटिव न्यूज देने के लिए। मतलब कहना ये चाहते हैं कि न्यूज जो बोलता है उस पर पूरा भरोसा नहीं करना है, आधा भरोसा करना है। आधा भरोसा मतलब, मतलब न्यूज सही है, न्यूज में गलती नहीं होगा ठीक है, लेकिन न्यूज पे पूरा भरोसा करके आप ट्रेड नहीं ले सकते ठीक है। बिकॉज न्यूज ना बहुत सारे बैकग्राउंड मैटर के ऊपर फोकस कभी नहीं करता है ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और अगर टीवी में जो लोग आके बोलता है उनको भी ना, मतलब आप लोग जैसा ही, जैसे आप लोग अभी रिसर्च एनालिस्ट बनोगे ठीक है, एडवाइजर बनोगे, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ मैनिपुलेटिंग टेक्निक मार्केट में देखने को बहुत दिन से मिल रहा है। तो आप लोग ना अचानक से ना न्यूज देख के ना ऐसा नहीं सोचना कि नहीं अच्छा बोल रहा है तो ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। मतलब अपना भी दिमाग को इस्तेमाल करना है ठीक है, तभी जाके आप एक प्रॉपर एनालिस्ट बन जाओगे सर ठीक है। धीरे धीरे समय लगेगा। TCS में और थोड़ा सा मुझे डाउन दिख रहा है सर, देखो कि और कहां तक जा सकता है। चांसेस इज दैट कि जब तक आपको एक प्रॉपर रिवर्स, मतलब रिवर्स गियर देखने को नहीं मिल जाता, आप ऑब्जर्व करो। और जैसे ही आपको ट्रेंड मिलेगा, ओके विश्व, जैसे ट्रेंड मिलेगा एंटर कर लेना। बिकॉज एक बार ट्रेंड बदलेगा ना तो बदल जाएगा सर TCS में। मेरा तो बहुत फेवरेट स्टॉक है इन्फोसिस, इन्फोसिस TCS, विप्रो इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल स्टॉक। तो याद रखना सर, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो ये सारा स्टॉक एकदम, इनका अगर आप पी रेशियो देखोगे, फंडामेंटल बात कर रहा हूँ दो मिनट, प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे तो काफी बेहतर है ठीक है। सो कंपनी का सिचुएशन अच्छा है सर, बस अभी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा देखते रहो सर ठीक है, थोड़ा सा देखते रहो। कोई प्रॉपर कुछ भी तुम्हें मिलता है ना टेक्निकल गाइडलाइंस, आप लोग फिर एंटर कर लेंगे। ठीक है, डिपेंड करते कंपनी टू कंपनी ঠিক আছে, এরকম সব কিছু এরকম ডাইরেক্টলি এরকম কিছু মানে স্ট্যান্ডার্ড কিছু হয় না, ডিপেন্ড করছে কি পার্টিকুলার মার্কেটের উপরে। হ্যাঁ স্যার, লং টাইম মানে কতদিন হোল্ড করা ঠিকঠাক হবে? লং টার্ম মানে কম সে কম 1 ইয়ার তো হোল্ড আরাম সে কর সকতে, 1 ইয়ার এন্ড মোর দ্যান 1 ইয়ার। ইনভেস্টিস যদি এখন তো না তাহলে স্যার মোটামুটি তাকে বলা যায় যে 8 মাস 10 মাস এখন হোল্ড করে রাখতে হবে আরাম সে, আরাম সে। আরে একটু দেখে নে, এক্ষুনি না, ডাউন যাতা জায়গা ফিলহাল ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा जब भी मुझे कुछ मौका मिलेगा। मैं कोशिश अभी मैं भी थोड़ा तुम लोगों के साथ अपडेट होना चाह रहा हूं सर ठीक है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा क्लास नेक्स्ट मंथ एडा पुट, नेक्स्ट मंथ एडा पुट ऑप्शन किने हो आपसे? हां सर किने ले एकदम ओके, सुमित एकदम रेडी है।
चलो ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट किया जाए। मार्केट एनालिसिस तो ऐसा होता रहता है सर, और मार्केट मौका हमेशा देता है। बस ऐसा नहीं कि अभी मौका है इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मौका देगा। बस आप लोग सीख के रेडी रहो, ठीक है। कभी भी छक्का मारने का बॉल आ सकता है, ठीक है, कभी भी चार मारने का बॉल आ सकता है। ऐसे अदानी का स्टॉक को देखो ना, कैसे मौका बिल्डअप किया है, क्या गिर रहा था क्या गिर रहा था। उसके बाद ऐसे अदानी पोर्ट में मेरा थोड़ा होल्डिंग था, तो अदानी पोर्ट में देखो सर, थोड़ा भरोसा करके रहोगे तो मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। ये देखो अदानी पोर्ट गिर गया था सर, ठीक है, मार्च में गिरा था। उसके बाद देखो ये देखो लास्ट कुछ दिनों से अच्छा खासा ग्रोथ दिया, ठीक है, देगा सर, देगा सर। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, बट रिसेंटली उसने प्रूव किया, सेबी ने भी ज्यादा मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नेगेटिव तो अभी तक बताया नहीं सर, तो ये भी एक सिचुएशन है। और कैंडल भी देखो आपको मौका दिया है, ये क्या बना है सर? ये देखो बुलिश एंगल पे बना है, देखा अदानी पोर्ट से किना जाए हैं लॉन्ग टर्म में, जो किनते हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में जो किनते हैं। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो এখানে ছিল, शॉर्ट टर्म के नहीं पर बना था जो पहले 800 था तो फिर से 800 चला जाएगा, नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मोटा मोटी तुम होल्ड कर सकते हो अदानी में, रिस्की स्टॉक है अदानी में। मैं एक चीज बोलूंगा, अदानी ना हार्ट अटैक कराता है सर, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। तो मतलब हार्ट बीट अगर स्ट्रांग है नो इशू, पैसा लगा के अदानी में ये हो गया। अदानी में हमेशा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अगर हार्ट बीट स्ट्रांग है तो अदानी के साथ चलो, अगर हार्ट बीट स्ट्रांग नहीं है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा अदानी मत लो, क्योंकि अदानी ऑलवेज कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। लेकिन गेन देता है सर, गेन देता है अदानी का स्टॉक, काफी थोड़ा वोलेटाइल है बट गेन देता है। ए चलो सर, ये ऐसा लग रहा है रिकमेंडेशन क्लास चल रहा है, थोड़ी रिकमेंडेशन आप लोग कहाँ मेरे को दोगे सीख के, वो नहीं, आप लोग सारा दिन ये बताओ वो बताओ। चलो ऑप्शन थ्योरी सीखो, आप लोग एक्सपर्ट बन रहे हो, मुझे रिकमेंड करो सर, ये स्टॉक लो ये स्टॉक लो। मैं सोचता रहता हूँ कि कब मेरे को अच्छा सजेशन मिलेगा। নকরি কা কোম্পানি কা নাম কিয়া হ্যায়, আমি নামটা ভুলে গেছি, এখন নকরি নিয়ে নিয়েছে, মানে পুরোটা ওই কোম্পানিটা নকরিটাকে পুরো নিয়ে নিয়েছে, অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে। আচ্ছা চলো স্যার, হো গিয়া বহুত সারা ইদার উদার কা বাত, কল অপশন পুট অপশনস বাই কাল পুরো ডিটেইলস মে হো গিয়া থা, ঠিক হ্যায়। पुट ऑप्शंस बाय, पुट ऑप्शंस सेल, पुट ऑप्शंस सेल, पुट ऑप्शंस सेल में थोड़ा बात कर लूं सर, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी कर लूंगा सर, पुट ऑप्शंस सेलिंग। चलो पुट ऑप्शन को सेल करेंगे सर, पुट ऑप्शन सेल क्यों करेंगे, सबसे बड़ा बात यही है सर, जैसे कि प्रीवियस डे का डिस्कशन था, हम लोग बैंक निफ्टी में बात कर रहे थे, याद है आप लोगों को सर, ये हिस्टोरिकल डेटा है, आप करेंट डेटा में भी सिमिलर पैटर्न डेवलप कर सकते हो सर। ऐसा एक खबर आ रहा है, मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, ऐसा एक खबर आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली
यूएस फेड, फेड समझते हो, फेड मतलब यूएस फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं वैसा ही यूएस में जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनको फेडरल रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कई बार देखोगे मार्केट में जब भी खबर सुनोगे तो ये साउंड आएगा आपको, फेड फेड करता रहता है, ठीक है। तो शायद किसी को लगेगा कि फेड क्या है, फेड अप हो जाते हैं क्या, नहीं सर, फेड मतलब फेडरल रिजर्व। तो ऐसा खबर है मार्केट में, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा एक आइडिया लग रहा है कि फेड फिर से रेपो हाइक कर सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, ठीक है। तो अगर फेडरल रिजर्व यूएस में इंटरेस्ट को हाइक करेगा, अगर ऐसा सच में होता है तो इसका एक इम्पैक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत जोर का पड़ सकता है, और ऐसा करने के पीछे आईटी में पड़ेगा, ठीक है। आईटी ऑलरेडी उसी सोच पे आईटी का मतलब दुख का समय चल रहा है, ठीक है। और ये आईटी कंपनी में दुख का समय है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए मौका बन रहा है सर, जो पहले मौका गवा चुका है उनके लिए मौका बन रहा है, रेडी रहो, ठीक है। दूसरा बात सर, अगर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बेसिकली वो कंट्रोलिंग है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है, या बैंकिंग सिस्टम में पैसा का फ्लो को थोड़ा सा कम करेगा ये ऐसा। हाँ बोल क्या हुआ। তোমার ইউএস স্টক মার্কেট তো ইনফোসিস লিস্টিং আছে না, দুটো, হ্যাঁ দুটো যদি কম্পেয়ার করো না, অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান কোম্পানি না, এবার ইন্ডিয়াতেই তো বিজনেসটা হয়, দুটো কোম্পানি দুটো ব্যালেন্স শীট তো একই আসবে, এবার যদি কম্পেয়ার করো না অলমোস্ট ইন্ডিয়ান মার্কেটের থেকে, মানে আমেরিকার মার্কেটের থেকে ইন্ডিয়ান মার্কেটে ইনফোসিস 90% মানে তোমার নেগেটিভ রয়েছে, মানে আরো ইনফোসিসে আরো ফিউচার রয়েছে বাড়ার, যেটা আমেরিকার মার্কেটে হয়ে গেছে অলরেডি। जो बात एक्चुअली करने जा रहा था, देख देख सुमित, देख मैं क्यों ये बात कर रहा था, क्योंकि कल का जो हम लोगों का डिस्कशन था वो बेसिकली बैंक निफ्टी में था, इसीलिए मैं थोड़ा सा करंट बैंक निफ्टी के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आज के रेट में आप बैंक निफ्टी चेक करोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ है, ठीक है। ये करंट रेट में बैंक निफ्टी 42,322 में चल रहा है, ठीक है, ये अंडल नहीं है। और अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है, तो मतलब बैंक निफ्टी ट्रेड करना है मतलब बैंक निफ्टी में वो क्या सोच रहे हैं ऑप्शंस में, क्या वो बैंक निफ्टी में, देखो सर आप यहाँ पर सिंबल चूज, सॉरी सिंबल नहीं, एक्सपायरी डेट चूज कर सकते हो और स्ट्राइक प्राइस भी ले सकते हो, ठीक है। तो विच स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा आपके लिए, आप पुट ऑप्शंस ले रहे हो कि कॉल ले रहे हो, पुट बाय करना है कि पुट सेल करना है। तो आज हम लोग सेल करेंगे सर, ठीक है, आज हम लोग सेल करेंगे, कल हम लोगों ने बाय किया था बैंक निफ्टी, कल हम लोगों ने बाय किया, आज हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। तो देखो सर ये हिस्टोरिकल डेटा है, बट हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है, क्योंकि जैसा पहले हुआ है वैसा बाद में फिर से होता, तो केस को बिल्ड करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, समझ में आएगा सर, जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो प्रीवियसली वी अंडरस्टूड दैट एन ऑप्शन सेलर एंड द बायर आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना, एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर एक ही कॉइन का दो अलग अलग साइड है, जैसे हेड एंड टेल, दे हैव डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट होते हैं, मतलब बहुत सिंपल, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा, अगर बायर को लगता है, पुट में बात कर रहा हूँ सर ना, कॉल पे नहीं, करेंटली कॉल पे फोकस ना करे, पूरा फोकस पुट पे करे, अगर पुट बायर को लगता है, अगर पुट बायर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ठीक है, डाउन जाएगा, तो ऑपोजिट होता है पुट सेलर के माइंड पे, पुट सेलर को ठीक ऑपोजिट लगता है, उनको लगता है मार्केट गिरेगा नहीं, या तो मार्केट फ्लैट रहेगा या तो मार्केट बढ़ेगा। यस, किसी का कोई आवाज आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं क्या, एनी क्वेरी सर, सर एक अनम्यूट है, क्यों कुछ बोल से इस शो ड्यू टू सम कॉज नहीं था, ओके बोलवा बोलवा के देखते हैं, अच्छा ठीक है सर, बेसिकली एक पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट ऑपोजिट हो, और इस ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में
इस ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करेगा? पुट ऑप्शंस बायर इज बेयरिश अबाउट द मार्केट देन क्लियरली द पुट ऑप्शन सेलर मस्ट हैव अ बुलिश व्यू ऑन द मार्केट. होना ही चाहिए. रिकॉलेक्ट वी लुक द बैंक निफ्टी चार्ट इन द प्रीवियस चैप्टर एंड वी विल रिव्यू द सेम चार्ट अगेन. फिर से देखेंगे जो 2015 का ओल्ड डेटा चार्ट है इसी को फिर से देख रहे हैं सर. इसको देख के आप आज का चार्ट को भी सिमिलर पैटर्न में फॉलो कर सकते हो. ठीक है, और घटना वही है. बैंक निफ्टी में नॉर्मली वही रेपो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हर क्वार्टर में आता है. ठीक है, एवरी क्वार्टर देयर इज समथिंग न्यूज. ओके, तो जो भी न्यूज मार्केट में अवेलेबल होता है ना बैंक रिलेटेड, उसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिले. तो बैंक निफ्टी बेसिकली और कुछ भी नहीं, डिफरेंट बैंक्स का एक इंडेक्स है. ठीक है, भारत में जितना बैंक चलता है उसका एक इंडेक्स है. जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है, ऐसे बैंक निफ्टी में भी बैंकिंग कंपनीज का डेटा मिला के बैंक निफ्टी को बनाया जाता है. ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें. ये रहा हमारा रेजिस्टेंस लेवल. ये पहले भी था, मतलब लास्ट दिन भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ. रेजिस्टेंस लेवल मोटा मोटी शॉर्ट टर्म पीरियड में 18550 के आसपास चल रहा था. करंट लेवल में मार्केट 18417 में चल रहा था. ठीक है, मतलब प्रेजेंटली अंडरलाइन चल रहा था 18417 में, रेजिस्टेंस था 18550 में. अब एक कॉल ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन रहा था सर, सॉरी पुट ऑप्शन सेलर का, पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ये बन रहा था कि मार्केट फ्लैट रहेगा या तो बढ़ेगा. तो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 18417 में. दो दिन पहले वो अपना रेजिस्टेंस लेवल 1850 को टच करके आया है. कुछ दिन पहले तो रेजिस्टेंस को छू के आया है. ठीक है, जो ग्रीन लाइन से आपको समझ में आ रहा था, ये चार्ट देखो, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. ठीक है, ये जस्ट अपने आप को छू करके आया है रेजिस्टेंस लेवल. अब जैसे वो रेजिस्टेंस को छू के, यहाँ पर देख सकते हो आप, एक हल्का सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना. एक कौन सा कैंडल दिख रहा है, ये जहां से रेड कैंडल बना है, इसको क्या बोलेंगे बोलो? हैंगिंग मैन बोलेंगे. हैंगिंग मैन, यस सर, थैंक यू. आप लोग आजकल बहुत अच्छा बता रहे हो सर. ठीक है, एक हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है और हैंगिंग मैन फॉर्म होते ही मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है. ऐसे रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा किसी पर्टिकुलर मार्केट में, है ना. और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चाहे ये पुराना मार्केट हो चाहे वो नया मार्केट हो, आपको सिमिलर टाइप ऑफ थिंग बार बार नजर आ सकता है, बार बार नजर आ सकता है, और आता है सर, आएगा भी. ठीक है, आएगा भी. नाउ पॉइंट इज दैट कि आखिर चार्ट पैटर्न ऑलवेज काम करता है. तो बैंक निफ्टी 18417 में था, रेजिस्टेंस को छू के थोड़ा सा रिवर्स गियर में नेगेटिव जा रहा था. 18550 कंसीडर्ड एज रेजिस्टेंस एज देयर इज अ प्राइस एक्शन जोन. ठीक है, मतलब 18550 में एक प्राइस एक्शन जोन बना है. मतलब बार बार ऐसा हुआ है कि मार्केट इस जोन में गया फिर नीचे आ गया, जून में गया फिर नीचे आ गया, इस जून में गया फिर नीचे आ गया. मतलब बार बार इसी जोन में जाके मार्केट अपने आप को थोड़ा सा रोक लेता है. ठीक है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, कल भी बता दें. और ये जो ब्लू रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको चार्ट में देख रहा था, ये जो ब्लू रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, इसी को प्राइस जोन बताया जा रहा है. मतलब बार बार मार्केट उसी रेंज में साइडवेज हो रहा है, ऐसा आपको बार बार हर मार्केट में दिखेगा. मैं आपको करंट निफ्टी में भी एक बार दिखा सकता हूँ. अब देखो यहाँ पर किस जोन में मार्केट बार बार कंसंट्रेट हो रहा है. देखो ये आपका रिसेंट निफ्टी है, ये निफ्टी है, अच्छा वो बैंक निफ्टी है. अच्छा बैंक निफ्टी का डेटा भी मिल जाएगा. बैंक निफ्टी अगर आप करेंटली कितना चल रहा है सर ऑप्शंस में, रिसेंट अंडरलाइन कितना चल रहा है, एक सेकेंड यहाँ पर मैं देख रहा था. बैंक निफ्टी 42322. ठीक है, तो मैं एक सिमिलर रेंज का ही ले लेता हूँ. चलो 42,000 ही ले लेता हूँ एक बार. इस चार्ट को भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, इस चार्ट को भी आप चेक कर सकते हो, ये ऑप्शंस में है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूरा ज्यादा डेटा दिख नहीं रहा है, तो चलो ठीक है, मैं किसी और चीज में दिखा देता हूँ. आप निफ्टी को ही देखो, आप देखो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में
से फॉर एग्जांपल अगर आप डिसेंबर डिसेंबर नहीं फेब्रुवरी मार्च अप्रैल देखो करेंट निफ्टी आई थिंक रेजिस्टेंस जोन में ही है ना, इसी एरिया में बार बार थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हेलो क्या ऐसा ही लग रहा है ना? मतलब करेंट जिस जोन में निफ्टी चल रहा है अगर आप लास्ट तीन महीने का डेटा देखो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल इसी जोन में कंसंट्रेट कर रहा है मार्केट, मतलब 17,600 क्रॉस करके टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पर एक बार ट्राई किया था लुक एट सर, इस पॉइंट पे एक बार मार्केट ने ट्राई किया 17,600 जोन को, ये जो करेंट जोन है इस जोन को क्रॉस करके थोड़ा गया था लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। देखो फिर से उसी जोन में आ गए, फिर से उसी जोन में आ गए। तो अभी देखना ही है कि इस जोन को क्रैक करके क्या मार्केट ब्रेकअप मतलब इस पॉइंट को क्या छोड़ के निकल सकता है, ये देखने वाला बात है। मतलब ब्रेकआउट दे सकता है कि नहीं, ठीक है? तो इस जोन से ब्रेकआउट देना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसमें मार्केट में स्पेशल कुछ बात होना चाहिए तभी जाके मार्केट इस जोन को छोड़ के निकलेगा और फिर जाके एक न्यू एरिया डेवलप करेगा। अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो मार्केट में अगर कुछ भी नेगेटिव खबर आता है और तो मार्केट और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा और सपोर्ट लेवल तक जा सकता है मे बी। मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ कि जाएगा, इट डिपेंड करता है क्या सिचुएशन बनता है। अगर सपोर्ट की तरफ जाता है तो और नीचे जा सकता है, बट अगर ऐसा कोई खबर जब तक नेगेटिव खबर उतना नहीं आएगा मार्केट इसी जोन में थोड़ा सा इधर उधर करता रहेगा, जिसको हम लोग साइडवेज सिचुएशन बोल सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको नॉर्मल निफ्टी मार्केट में एज वेल एज बैंक निफ्टी में हर मार्केट में देखने को मिलेगा। इसीलिए देखो ये ब्लू बॉक्स आपको वही कंसेंट्रेशन जोन को फोकस किया गया, ठीक है? तो ऐसा आपको ऑलवेज मार्केट में देखने को मिलेगा। चलो बैंक निफ्टी हैज अटेम्प्टेड टू क्रैक द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द लास्ट थ्री कंसेक्यूटिव टाइम्स, तीन बार ये अपने रेजिस्टेंस जोन को क्रैक करने का कोशिश किया है। इस जोन में आप देख सकते हो, ठीक है, लगातार यहाँ पर एक बार करने का कोशिश किया, यहाँ पर एक बार करने का कोशिश किया, यहाँ पर एक बार करने का कोशिश किया, तो लगातार तीन बार कोशिश किया था बैंक निफ्टी। ये होल डेटा में आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ सर, कोशिश तो किया बट क्या कोशिश कामयाब हुआ सर? नॉट प्रॉपरली, नहीं हो पाया सर। बैंक निफ्टी हैज अटेम्प्टेड, तो यहाँ पर अटेम्प्ट तो वो कर रहा है बट बार बार फेलियर भी हो रहा है। ऑल इट नीड्स इज गुड पुश, एक अच्छा पुश चाहिए सर, एक अच्छा पुश। मैं आपको अच्छा पुश क्या होता है, एक अच्छा पुश का मतलब एक पॉजिटिव सिचुएशन जो मार्केट को अपने करेंट जोन से निकाल दे, मतलब थोड़ा ब्रेकआउट दे दे। मे बी लार्ज साइज बैंक अनाउंसिंग डिसेंट रिजल्ट्स, अगर मानो HDFC या ICICI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका रिजल्ट्स अगर रिसेंटली अच्छा हो जाता है तो अच्छा। जैसे रिसेंटली HDFC का रिजल्ट्स बहुत अच्छा हुआ है तो इसका इफेक्ट बैंक निफ्टी में पड़ा है ना, और HDFC बैंक का भी अगर आप डेटा चेक करोगे तो HDFC बैंक भी एक अच्छा खासा सिचुएशन दिया है। इवन अभी भी HDFC में हल्का पोटेंशियलिटी दिख रहा था, मैं चेक कर रहा था थोड़ा HDFC बैंक में भी एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था। ये देखो ये रिसेंटली HDFC बैंक में पोटेंशियलिटी क्रिएट हुआ था, स्पेशली क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर बेस करके हुआ, ठीक है? और HDFC मोटा मोटी आप इतना समझ सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है, बैंक निफ्टी में इसका अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, और ये वेटेज के कारण ये अकेला ही अपने दम पे बैंक निफ्टी को डेवलप कर सकता है। तो बड़ा बैंक जो है सर, जिनका कैपिटल लेवल बहुत ही हाई है, वो मार्केट को अकेला ही बुलिश या बेयरिश कर सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट एक गुड पुश, तो आपको बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड लेते हो ना, आपको यही सब चीज समझना है सर। मानो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ओवरऑल बैंकिंग सेगमेंट्स में किसी पर्टिकुलर बिग बैंक के अनाउंसमेंट के कारण भी हो सकता है। तो पॉजिटिव क्यू प्लस मूव अबव दिस रेजिस्टेंस विल सेट बैंक निफ्टी ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ठीक है? मतलब अपवर्ड लेवल में इसका ट्रेजेक्टरी बनता है। हेंस राइटिंग द पुट ऑप्शंस एंड कलेक्टिंग द प्रीमियम्स में साउंड लाइक ए गुड आइडिया। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं HDFC में जैसे रिसेंटली हुआ है सर एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, या फिर ICICI बैंक में अच्छा रिजल्ट हो सकता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा रिजल्ट हो सकता है, जो बैंकिंग सेगमेंट्स में अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो आप बैंक निफ्टी के बारे में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फील कर सकते हो कि नहीं बैंक बुलिश रहेगा, बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा, ये आपका फीलिंग है। हेंस राइटिंग द पुट ऑप्शंस एंड कलेक्टिंग द प्रीमियम्स एक अच्छा आइडिया हो सकता है, बिकॉज कल हम लोगों ने देख लिया था सर,
पुट ऑप्शन का जो सेलर होते हैं उनका सोच एक ही है सर, मार्केट फ्लैट रहे या फिर मार्केट अप जाए, तो यही आपका ट्रेजेक्ट्री है। यू मे हैव अ क्वेश्चन एट दिस स्टेज, आपको मन में एक सवाल है, इफ द आउटलुक इज बुलिश, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जो आउटलुक है मतलब अगर आपको लगता है कि ये मार्केट बुल होगा, सो वाई सेल ए पुट ऑप्शन एंड वाई नॉट जस्ट बाई ए कॉल ऑप्शन। हेलो, गुड क्वेश्चन ना कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के प्रति बुलिश है तो फिर मैं कॉल ऑप्शन बाई कर लेता, मैं पुट ऑप्शन सेल क्यों करूंगा। एक चीज याद रहे सर, इन आवर एग्जाम्पल अजय एंड वेनु जो केस स्टडीज मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, स्टार्टिंग में हमने कॉल पढ़ा था है ना, तो कॉल पढ़ने के टाइम पे हम लोगों ने ये देखा था अजय जो है सर, अजय ये कॉल बायर था याद करें सर, और वेनु जो था वो कॉल सेलर था, मतलब कॉल राइटर। नाउ पॉइंट इज व्हाट, नाउ पॉइंट इज दैट अजय ने क्या सोचा था कि रोड बनेगा और लैंड का प्राइस बढ़ेगा, तो रोड बनेगा लैंड का प्राइस बने बढ़ेगा तो कॉल को बाई कर लेना चाहिए, और उसके लिए अजय ने वेनु को प्रीमियम जमा कर दिया है ना। तो एक चीज आपको याद करना चाहिए, जब आप एक कॉल बायर होते हो, एक कॉल बायर जब आप होते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो, और प्रीमियम पे करने के साथ साथ आपका राइट आ जाता है सर है ना, आपका राइट आ जाता है किस पे, इस एग्रीमेंट पे कॉल को एग्जीक्यूट करने का राइट आ जाता है, मतलब आपने जो एग्रीमेंट बनाया जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूशन का राइट आपका है, मतलब आप जब बोलोगे वेनु को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ऑब्वियस बात है, वेनु का कोई राइट नहीं आएगा, उसको बस ऑब्लिगेशन आता है, उसको बस ऑब्लिगेशन, क्योंकि वेनु यहाँ पर प्रीमियम रिसीव कर रहा है, प्रीमियम कलेक्ट जो करता है उनका ऑब्लिगेशन आता है, उनका राइट नहीं आता, तो वेनु ऑब्लिगेटेड था जैसे अजय बोलेगा उसको करना है, अगर रोड बनता है सच में तो अजय गेन करेगा, और हमें पता था कि कॉल बायर का प्रॉफिट का चांसेस प्रोबेबिलिटी कितना है सर, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/3 है कि मार्केट बढ़ेगा, इसका चांस 1 है, मतलब आउट ऑफ 3 सिनेरियोस रास्ता बनेगा ये चांस 1 था, रास्ता नहीं बनेगा और रास्ता या तो नहीं बनेगा मतलब जमीन का दाम गिरेगा या तो फ्लैट रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 2 थी, तो ऑब्वियसली वेनु का प्रोबेबिलिटी 2/3 रहता है और अजय का 1/3, यू नो दैट, सिमिलर चीज पुट में भी होता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कॉल ऑप्शंस बायर जो होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अनलिमिटेड हो सकता है और लिमिटेड रिस्क है सर, जितना प्रीमियम पे करेगा उतना ही लॉस हो सकता है, यही कॉल बायर का कैरेक्टर होता है ना सर। लेकिन आपके मन में जो सवाल चल रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कॉल बायर ना बनके पुट सेलर क्यों बन जाएंगे, कॉल बायर ना बनके पुट सेलर क्यों बन जाएंगे, क्या फायदा होगा हमें सर, उसी फायदे में बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग पुट बायर क्यों बनेंगे। वेल द डिसीजन टू आइदर बाय ए कॉल और सेल ए पुट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ अट्रैक्टिव द प्रीमियम सर, ये पूरा खेल डिपेंड करता है प्रीमियम के अट्रैक्टिवनेस पे। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजंस इफ द कॉल ऑप्शन हैज ए लो प्रीमियम देन बाइंग ए कॉल ऑप्शंस मेक सेंस, अगर कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम कम जा रहा है तो आप कॉल करेंगे। Likewise, if the put option is trading at a very high premium, then selling the put options makes sense. मतलब देखो, अगर जिसका प्रीमियम देखो बाई करने के टाइम पे जब आप कॉल बायर हो तो प्रीमियम कम पे करो, यही आपका मकसद होता है ना, प्रीमियम लेस। पुट के केस में आप क्या करोगे, आप प्रीमियम देना है कि लेना है पुट सेलर को, हेलो पुट सेलर प्रीमियम देगा कि लेगा, रिसीव करेगा, देगा नहीं रिसीव करेगा, पुट सेलर देगा नहीं लेगा सर, रिसीव करेगा, इसलिए देखो कल का क्लास भूल गए, पुट बायर ने प्रीमियम दिया था, पुट बायर प्रीमियम दिया था ना सर, हाँ पुट बायर प्रीमियम दिया था, हाँ माने सेफ खेलते चाहिए भी एक तो सेलर और बेटर है, ऑब्वियस सर, ठीक है। अब देखो कैसा सेमली मैटर है, बट मेन फैक्ट ऐसा है कि जब तुमको प्रीमियम देना है तुम कम दोगे, यही तुम्हारा इंटेंशन रहेगा। मार्केट में अगर
कॉल बाई के टाइम पे प्रीमियम लेस देना है सेम स्ट्राइक टेस्ट से फॉर एग्जांपल, तो आप बोलोगे नहीं मेरा प्रीमियम जिस पे कम रहेगा मैं उस पे जाऊंगा, मतलब जब पेमेंट का बात आता है, और जब रिसीव का बात आएगा तब क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे सर प्रीमियम हाई, बेसिन सिंपल हाई है तो अच्छा है, प्रीमियम हाई है तो अच्छा है और क्या। सो लाइकवाइज इफ द पुट ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई प्रीमियम देन सेलिंग द पुट ऑप्शंस मेक सेंस, ऑफ कोर्स टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली टू डू बाइंग अ कॉल और सेलिंग अ पुट depends on the attractiveness of the premium and to judge how attractive the premium is you need to some background knowledge on option pricing of course going forward aage aage batayenge option pricing theek hai ki premium calculation karke again hame put lena chahiye ki buy lena chahiye iske liye option pricing formula bhi baat karenge na to aapko clarity milega lekin filhal ye dimag mein question aapka banta rahega sir theek hai ki actually kya karna chahiye but obvious baat hai ek simple sa reason ki agar premium mujhe kam pay karna pade to main call buy kar lunga और अगर मुझे प्रीमियम रिसीप ज्यादा मिल रहा है तो मैं रिसीप में पुट सेलर बन सकता हूँ। सो विद दिस थॉट्स अज्यूम द ट्रेडर डिसाइड टू राइट मतलब सेल करेगा 18,400 बैंक निफ्टी जो पुराना डेटा है वहीं से बता रहा हूँ ठीक है 18,400 आज के डेटा में जो 40,000 समथिंग चल रहा है 40-42,000 चल रहा है आप उसी हिसाब से भी सोच सकते हो नो इशू विद दैट। पूरा खेल पॉइंट ऑफ व्यू का है और मार्केट ट्रेंड का है। पुट ऑप्शंस सेलर जब भी आप बनोगे आप प्रीमियम कलेक्ट करोगे तो हमारा प्रीमियम जो उस टाइम पे चल रहा था दैट इज 315 रन ठीक है। अब जितना लॉट होगा 100 का लॉट 75 का लॉट 80 का लॉट ऐसे ही चलता है 50 का लॉट एज यूजुअल लेट अस ऑब्जर्व द पीएल बिहेवियर फॉर ए पुट ऑप्शन सेलर एंड मेक फ्यू जनरलाइजेशंस। तो चलो पुट ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम क्या बनेगा और थोड़ा जनरल आइडिया भी डेवलप कर लेते हैं। टू नोट व्हेन यू राइट ऑप्शंस जब भी आप ऑप्शन राइट करते हो मतलब सेलर बनते हो सिंपल बात है चाहे आप फॉल सेलर बनो या पुट सेलर बनो मार्जिन आर ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट है ना मार्जिन आर ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट। ये चीज मैंने पहले चैप्टर में भी बोला था कि मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है सेलर के लिए। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था लास्ट क्लास नहीं आई थिंक उससे पहले वाला क्लास है ना जिसमें मैंने आपको ये बता रहा था कि सेलर बनने के टाइम पे मार्जिन अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी लगता है और ब्लॉक भी कर लेते हैं। सो पीएल बिहेवियर कैसा है सर इसका पीछे मेन रीजन नहीं है कि अनलिमिटेड रिस्क सामना करना पड़ता है पुट सेलर को और एक्सचेंज ये रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाहता इसलिए मार्जिन ब्लॉक करने का एक क्राइटेरिया मार्केट को होता है जब कोई सेलर बनता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मार्केट में आजकल सेलर बहुत हो गया है सर बायर से भी ज्यादा मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था ज्यादातर लोग लॉन्ग सोचता था ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं सर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मतलब जो पुराने सोच चल रहा है उस सोच में ज्यादातर लोग लॉन्ग खरीदना मतलब लॉन्ग मतलब आज बाई करो बाद में सेल करो या फिर मार्केट ग्रो करेगा इसी सोच पे बंधा हुआ है। पर आजकल ना मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुका है ट्रेडर भी काफी एक्सपर्टीज हो चुका है धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा है तो उनको ये भी समझ में आ गया कि मार्केट सिर्फ बढ़ नहीं सकता मार्केट फ्लैट भी रह सकता है और मार्केट डाउन भी जा सकता है ठीक है। तो हर तरह का सोच आ चुका है। अब पीएल का बिहेवियर देखो प्लीज डू रिमेंबर द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस रिमेन द सेम फॉर बोथ राइटिंग अ पुट और वाज बाइंग इट ठीक है। मतलब चाहे पुट सेलर हो या पुट बायर हो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन सेम रहेगा हाउएवर द पीएल कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा जो आपको अभी अभी मैं समझा देता हूँ सर फटाफट देखो और प्लीज कंसेंट्रेट करो। स्पॉट मार्केट सर स्ट्राइक प्राइस 18,400 था एज पर आवर चूजिंग बाकी अगर आप प्रेजेंट मार्केट में देखना चाहोगे आपको ऑप्शन चेन में जाना चाहिए ऑप्शन चेन में जाके अगर आप पुट बाई करना सेल करना चाहते हो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो लुक एट सर आईबी डेटा वॉल्यूम वगैरह में भी बाद में बात करूंगा फ्यूचर में ऐसे एक बार कर चुका हूँ वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन मार्केट में कैसे काम करेगा मैं डिस्कस करूंगा ये बहुत वाइटल डेटा है बहुत जरूरी डेटा है ठीक है वॉल्यूम एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट एक बार तो मैंने इसको फ्यूचर में डिस्कस किया बेसिक लेवल में बट इसको ऑप्शंस में भी मैं डिस्कस करूंगा और बार बार बोलूंगा इसके बारे में लेकिन थोड़ा रुक जाओ। लेकिन मुझे अभी जिस चीज पे बात करना है दैट इज पुट में बेसिक लेवल दैट इज स्ट्राइक प्राइस अपना की नेटवर्क इशू ना कि हाँ हाँ नेटवर्क इशू नेटवर्क कटे जाते
আপনাকে লাইসেন্সটা ইস্যু করতে হবে আমার মনে হচ্ছে, ওটা করলে এই নেটের প্রবলেমটা অনেকটা ঠিক হবে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, এই সপ্তাহে আমাকে একবার মনে করিয়ে দেবেন তো অনেকটা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ক্লাসটা আজকে শেয়ার করে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কালকের ক্লাস তো স্যার, কালকের ক্লাসটা তো শেয়ার করেনি। করেছি, আপনি একবার রিফ্রেশ করবেন। কালকেরটা কি এই লিংকে দিয়েছেন? হ্যাঁ ওই লিংকেই আছে, একবার রিফ্রেশ করব। অনেক রাত্রি করেছি, অনেক রাত্রি করেছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যদি না পেলে আমাকে, না পেলে আমাকে বলবেন, আমি দেখব। হ্যাঁ আমি দুপুরবেলা ফোন করে নেব, 2:30 থেকে 2:45 নাগাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা তো বেসিক্যালি এই দেখিয়ে স্যার ऑप्शंस में पुट में ये देखिए स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी में। अब पुट का जो स्ट्राइक जो है करेंट अंडरलाइन ये लगा आपका 42 के समथिंग अंडरलाइन चल रहा है, तो इसमें आपको अलग अलग स्ट्राइक दिख रहा है 42, 42100, 42200, 42300। तो एग्जैक्टली हम लोग बिना कुछ वैसा ही एक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे केस में ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसमें मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या था? इसमें मेरा स्ट्राइक प्राइस था 18400। आप पुट सेलर बने सर, यहाँ पर यू आर पुट सेलर, ओके, इस चीज को भूलना नहीं है। और एक पुट सेलर होने के नाते आपका पॉइंट एक ही चल रहा है सर, कि मार्केट ग्रो करेगा, ठीक है, स्पॉट मार्केट ग्रो करेगा। तो अगर ये स्ट्राइक प्राइस 18400 है, अब मार्केट स्पॉट मार्केट जितना ग्रो करेगा आपका उतना फायदा, और जितना नीचे रहेगा आप उतना लॉस में चले जाओगे, ठीक है। जस्ट देख सकते हो आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पॉट, अगर अंडरलाइन वैल्यू मतलब बैंक निफ्टी का अंडरलाइन, बैंक निफ्टी अंडरलाइन अगर नीचे चला जाता है, ठीक है, जैसे कि 16195, 16510, 16825, 17100, मतलब आप जितना बेयरिश मोड में जाओगे उतना पुट सेलर का लॉस रहेगा। ये चीज मैंने कल लास्ट मिनट में थोड़ा समझाया था, ठीक है, मैं आज फिर से एक बार आपको समझाया, क्यों? क्योंकि मैंने आज डिटेल्स में थोड़ा बात कर ली। और पीएल बिहेवियर अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन का टेक्निक पुट सेलर के लिए भी वही है, प्रीमियम वो रिसीव करता है, इस बात का ध्यान रखना, एक पुट सेलर प्रीमियम रिसीव करेगा, पुट का जो सेलर या राइटर बनेगा वो प्रीमियम रिसीव करेगा, देगा नहीं, ठीक है। तो 315 प्रीमियम था, जैसे यहाँ पर भी आप पुट ऑप्शन चेन में देख सकते हो अलग अलग स्ट्राइक में प्रीमियम का क्या वैल्यू चल रहा है। लुक एट दिस, ये रहा 42300 में प्रीमियम है 93, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर जाओ, ये देखो प्रीमियम वैल्यू है 305, 396, 590, देखो प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये प्रीमियम कमता क्यों है, बढ़ता क्यों है, इसका चर्चा अभी तक हुआ नहीं ना सर? नहीं हुआ, मुझे पता है सर, करूँगा, समय आए, आने दो, समय पे सब बात होगा कि आखिर प्रीमियम वैल्यू कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, ठीक है, और इस पर क्या बड़ा कमा चलता रहता है, और एक ट्रेडर के लिए ये कितना चिंता का विषय है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। और इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब यहाँ पर मतलब हार्डकोर फाइनेंस का टीवीएम नहीं सर, मतलब जो फंडामेंटल टीवीएम वो नहीं, यहाँ पर मतलब ऑप्शन मार्केट का एक टाइम मनी का एलिमेंट है, ठीक है, टाइम इज मनी, आगे बताऊंगा टाइम इज मनी कैसे है, चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीमियम भी सिलेक्ट कर सकते हो ईच एंड एवरी स्ट्राइक के ऊपर, जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट में ये स्ट्राइक के ऊपर प्रीमियम था 18400 के ऊपर प्रीमियम था 315। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी आपका स्ट्राइक रहेगा ये कॉल से उल्टा होता है, कॉल में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक माइनस स्पॉट करेंगे। तो देखो आप इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, आपने रिसीव किया 315, आपने प्रीमियम रिसीव किया 315 और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है पॉजिटिव, तो आपका पीएल बनेगा प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। एक पुट सेलर का पीएल बनेगा जितना प्रीमियम वो रिसीव करेगा वहां से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करेगा। सर ये सारा तो नेगेटिव दिख रहा है, हाँ सर ये तो लॉस ही होने वाला है, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं, मार्केट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव गया है, और पुट सेलर का माइंड सेटअप ये था कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन गया नहीं सर। तो मार्केट अगर जब तक नीचे रहेगा, जब तक बेयरिश रहेगा, तब तक पुट सेलर का लॉस, तब तक पुट सेलर का लॉस, यही पुट सेलर का चिंता का विषय है। और पुट सेलर अनलिमिटेड लॉस खा सकता है, अनलिमिटेड, आप देख सकते हो, चलो मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ। सर प्रॉफिट कब करेगा? सर स्ट्राइक जो चूज उसने करेगा ना, पुट सेलर का स्ट्राइक था 18400 से जितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है बुलिश, ओके,
18400 से जितना बुल होगा मार्केट, बुल होगा मतलब ग्रो करेगा, 715 हो, 19030 हो, 19345 हो, सर कुछ भी, एनी एनी वैल्यू जो बुलिश होगा, एनी वैल्यू जो बुलिश होगा, 18400 से बुलिश होगा, इसमें क्या होगा, 315 का प्रीमियम रिसीव किया है ना, तो अगेन आप स्ट्राइक माइनस करो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, इसमें तो जीरो हो गया इंट्रेंसिक, लेकिन आप एक चीज चेक करो यहाँ पर, 315 तुमने रिसीव किया था, इंट्रेंसिक हो गया जीरो, लेकिन 315 जो तुमने रिसीव किया था वो तुम्हारा हो गया, वो तुमसे बायर नहीं ले सकता, तुमसे बायर वो नहीं ले सकता, आप कौन, आप पुट सेलर, बायर आपको ये 315 प्रीमियम दिया था, जितना लॉट के हिसाब से था, एक लॉट में अगर 50 है तो 50, 75 है तो 75, व्हाट एवर बी दी लॉट साइज। नाउ पॉइंट इज दैट, पॉइंट इज वेरी सिंपल यहाँ पर, कि एक पुट सेलर प्रीमियम ही कमाएगा, चाहे मार्केट कितना भी ज्यादा हो जाए प्रीमियम बढ़ेगा। तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या बना, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये बना, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, ये होता है पुट सेलर। बस एक बात का ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर, आज का जो स्पेशल बात मैंने क्या कहा आपसे, कि सर जब मार्केट ग्रोथ के ऊपर बेस करके एक पुट सेलर पोजीशन लेता है, उसके मन में एक दुविधा आता है कि मैं पुट सेल करूं कि कॉल बाय करूं, देयर इज अ कंफ्यूजन। सर ये कंफ्यूजन आपको धीरे धीरे दूर हो जाएगा, पर बेसिक कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, प्रीमियम का क्या खेल है, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू ही है जो आपको बेसिकली पेमेंट करना पड़ता है या रिसीव करना पड़ता है। तो अगर प्रीमियम ज्यादा रिसीव करने को मिले तो पुट सेलर बन सकते हो, और अगर प्रीमियम ज्यादा पे करने को मिले, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर प्रीमियम रिसीव अमाउंट ज्यादा होता है तो पुट सेलर बनना ठीक होता है, और अगर पेमेंट ज्यादा होता है, मतलब अगर आप कॉल बायर बनते हो तो आप कॉल को इग्नोर कर सकते हो, अगर प्रीमियम अमाउंट कम पे करना पड़े तो आप कॉल बायर बन सकते हो, ठीक है, ये बेसिकली कंफ्यूजन है। लेकिन ये कंफ्यूजन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और प्रीवियस एक एक क्लास को अगर अच्छे से सुनते हो और उसको दिमाग में चलाते हो ना, आप देखना समझ में आएगा। अच्छा प्लीज टेल मी, आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, बोले अच्छे सब आए, हेलो सर, तो सर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या सामने निकल के आते हैं, I would assume by now you will be in a position to easily generalize the PL behavior after expiring, especially considering the fact that we have done the same in the last three chapters. फिर से मैं आपको बहुत सारे चीजों पे बात किया, ठीक है? एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, row 8 जो था, इसमें आपका मतलब अगर market same range में रह जाता है, आपका strike था 18400 और अगर मार्केट सेम रेंज में रह जाता है, फिर भी आप प्रॉफिट करते हो, पुट सेलर बनते हैं, यही सबसे बड़ी खूबी है सर। मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा कि मार्केट सेम रहेगा, अगर मार्केट सेम भी रह जाता है तो भी पुट सेलर को फायदा होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेलिंग अ पुट ऑप्शन इज कलेक्ट द प्रीमियम एंड बेनिफिट फ्रॉम द बुलिश आउटलुक ऑन मार्केट, देयरफॉर एज यू कैन सी द प्रॉफिट स्टेज फ्लैट एट 315 प्रीमियम कलेक्टेड एज लॉन्ग एज, जब तक स्पॉट प्राइस सेम स्ट्राइक लेवल के साथ रहेगा, मतलब स्ट्राइक था 18400, स्पॉट भी रहेगा 18400। अगर मैं आज के हिसाब से बोलूं, अगर किसी को लगता है बैंक निफ्टी का करंट जोन जो है 42,322, ठीक है, अगर किसी को जैसे कि आज एक्सपायरी है, फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, आज 20 अप्रैल है सर, ठीक है, दिस इज द एक्सपायरी डेट, देख सकते हो आप, टुडे इज 20 अप्रैल, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी आ रहा है 27 अप्रैल, वीकली बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी बढ़ेगा या बैंक निफ्टी सेम रहेगा, तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा या सेम रहेगा, तो आप बैंक निफ्टी में पुट सेलर बन सकते हो। अगर मैं सिर्फ पुट पे बात करूँगा तो करेंटली मैं कॉल को इग्नोर कर रहा हूँ, बट यस देयर इज अ कंफ्यूजन, यही है कि आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप पुट सेलर बनो या तो फिर आप कॉल बायर बनो, क्योंकि बुलिशनेस पे दो चीज हो सकता है, पुट को सेल किया जा सकता है और कॉल को बाई किया जा सकता है। जब मार्केट के बारे में कोई बुलिश है तो ये दोनों में से कोई भी एक बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक बन सकता है, लेकिन क्या बनना सही रहेगा इसका एकदम एग्जैक्ट जवाब तो अभी तक आपको मिला नहीं है, वो आगे आगे मैं आपको ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला में जब पहुंचूंगा तब मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। बस इतना देखना है
कि कॉल बाई करने के टाइम पे आपका प्रीमियम वैल्यू कहाँ जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो कोई 42,300 ले रहा है, ठीक है, 42,300 अगर किसी का स्ट्राइक है, प्रीमियम वैल्यू आप देख सकते हो 107 का प्रीमियम है। और अगर इसी तरह से आप अगर इधर देखो कि यहाँ पर प्रीमियम कलेक्शन कितना बनेगा, 93। तो रिसीव करेंगे 93, देना है 107। तो अभी आपको हिसाब करना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन प्रोबेबल मार्केट सिचुएशन में क्या हो सकता है। मतलब 42,300 अगर मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है, 1 वीक लेटर, ठीक है, एक हफ्ता बाद और 2 वीक्स लेटर, व्हाट इवर बी द एक्सपायरी सिचुएशन, अगर ये 42,300 42,300 या तो सेम रहेगा, ठीक है, या तो सेम रहेगा या फिर और बढ़ेगा, 400 500 की तरफ अगर जाता है, ठीक है, तो आप पुट सेलर भी बन सकते हो, आप कॉल बायर भी बन सकते हो। एंड आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर पता नहीं है या आप भूल रहे हो, आपको एक छोटा सा टास्क तो मैं देता ही रहता हूँ हमेशा, ठीक है, आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करें और करंट डेटा के ऊपर बेस करके आप ये एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये प्रोबेबल सिचुएशन है सर, प्लीज आप लोग ट्राई करना। प्रोबेबल सिचुएशन है, अगर 42,300 स्ट्राइक बैंक निफ्टी कोई लेता है तो होमवर्क ये रहेगा कि अगर कोई कॉल बाय करेगा तो उसका पीएल सिचुएशन क्या होगा, ठीक है, कॉल बायर का पीएल सिचुएशन क्या होगा और पुट सेलर का पीएल सिचुएशन क्या होगी। प्लीज आप लोग ये करके मैनुअली भी कर सकते हो, कंप्यूटराइज वे में भी कर सकते हो, जो भी करना है करो, ग्रुप में शेयर करो, ठीक है, अभी नहीं बाद में, होमवर्क दिया। ठीक सेम सिचुएशन मैंने डेवलप किया, जो सिचुएशंस मैंने अभी आपको समझाया कि 18,400 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बेस करके, ठीक, जैसे मैंने आपको प्रीमियम कलेक्ट करने का बात किया या फिर कॉल बाई करने का बात किया, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको बैंक निफ्टी के ऊपर बेस करके देखा। तो आपका बस काम इतना रहेगा कि आप पीएल बिहेवियर को डिसाइड करो कि कॉल बाई करें या पुट सेल करें। होमवर्क समझ में आया? अरे होमवर्क समझ में आया? हाँ दादा, हाँ बस ऐसा चार्ट बनाना है और कुछ नहीं, जस्ट बिल्ड दिस काइंड ऑफ चार्ट। सीरियल नंबर पुट करना, स्ट्राइक चूज कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर 18,400 लिया है, आप वैसा ही 42,300 स्ट्राइक या 42,000 समथिंग कुछ ले लेना, ठीक है, मैंने 300 बोला आप 300 ही ले सकते हो। उसके बाद प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पॉट आप एक डिसाइड करना कि अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ठीक है, बस यहाँ पर 12 पॉइंट दिया है, आप भी 12 पॉइंट में कर सकते हो। और फिर प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू करके आप एक प्रोबेबल सिनेरियो निकाल सकते हो कि आपका प्रॉफिट का चांसेस कितना है, लॉस का चांसेस कितना, बस इसी तरह से डेवलप कर जाओगे सर, आराम से धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा, और क्या बात यहाँ से सीखा जा सकता है? जनरलाइजेशन वन, सेलर ऑफ द पुट ऑप्शन आर प्रॉफिटेबल एज लॉन्ग एज स्टॉक स्पॉट प्राइस रिमेंस और हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। मतलब 18,400 हमारा स्ट्राइक था, 18,400 ये ओल्ड बैंक निफ्टी था सर, बैंक निफ्टी 18,400 से जितना हाई रहेगा, चाहे 18,500 में रहे, चाहे 18,600 में रहे या 450 में रहे, वट एवर, ठीक है, जितना हाई रहेगा उतना आप प्रॉफिटेबल। इन अदर वर्ड्स, सेल ए पुट ऑप्शन ओनली व्हेन यू आर बुलिश अबाउट अंडरलाइंग और व्हेन यू बिलीव दैट अंडरलाइंग विल नो लॉन्गर कंटिन्यू टू फॉल। मार्केट और गिरने वाला नहीं है, मार्केट बढ़ने वाला है, तभी आपको पुट लेना चाहिए, पुट सेल करना चाहिए। अगर मैं रिसेंटली ऐसा सिचुएशंस किसी कंपनी के ऊपर डिसाइड करने के लिए बोला था आप लोगों को, जैसे मैंने आपको रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस पे बोला था, आईटीसी में बार बार मैं बोलता रहता हूँ, हाँ सर, आईटीसी में भी बार बार मैं बोलता रहता हूँ, आईटीसी में रिसेंटली क्या गजब का ग्रोथ रहा है सर, इवन रिसेंट ग्रोथ भी, जब आईटीसी 370 वगैरह में चल रहा था तब भी मैंने डिस्कस किया सर कि आईटीसी देखते रहो, आईटीसी देखते रहो, आईटीसी में ग्रोथ है, आईटीसी में ग्रोथ है। और आईटीसी अभी बहुत चर्चा चल रहा है आईटीसी पे, और आईटीसी सच में दिन पे दिन ग्रोथ देते जा रहे हैं। और अगर आप कैंडल स्टिक को देखो आईटीसी का, अगर आप कैंडल स्टिक को भी देखते हो आईटीसी का, ये देखो आप, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, है सर, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पर आप एक क्या बोलेंगे इसको, तो प्रॉपरली क्या नाम दिया जा सकता है, कोई नाम होगा इसका, मुझे एक चीज हैमर तो दिख रहा है सिंगल कैंडल में, एडजस्ट सामने देखो, एक सामने बुलिश मार्क, जूम कर दो আর একটু সামনে যাও, আর একটু সামনে গেলে বুলিশ মারো, বুঝে আছে এটা।
मतलब आप ऐसे पकड़ सकते हो, मतलब ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग है ना, मतलब अगर आप 6 मार्च से मोटा मोटी 6 मार्च से लेके अप्रैल का अगर आप ओवरऑल एक महीने का ट्रेंड देखोगे, मैंने डे चार्ट किया, तो यस यू कैन टेक इट आराम से, ये डाउन ट्रेंडिंग है, मतलब ये डाउन होने के बाद साइडवेज चल रहा, इट्स ओके, ये बुलिशनेस दिया है सर, और एग्जैक्टली इसी रेंज से मैं बात कर रहा था किसी के बाद, इसी रेंज से बात कर रहा था कि आईटीसी देखते रहो शायद आप लोगों के क्लास में नहीं, किसी और क्लास में बहुत सारा क्लास में बोलता रहता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन आईटीसी के बारे में मैं चर्चा बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक अच्छा कैंडलस्टिक डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो स्पेशली रिस्क टेकर लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेड ले लें, फिर भी देखो 385 से इनको अभी 398 400 ऑलमोस्ट छूने को है, अभी ग्रोथ हल्का हो सकता है, बट प्रॉपर चांसेस डे चार्ट तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट हाँ मिनट चार्ट अगर आप चेक करोगे तो शायद आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट मिल सकता है, तो अगर आप एक स्कल्पर हो, ठीक है, आज तो मार्केट गिरा नहीं सकता, आज आज इसका गैप अप ओपनिंग दिया था बट उसके बाद मार्केट गिरा, मतलब ये क्या है, बेरिश इंगल्फिंग, हाँ एक बेरिश इंगल्फिंग, हरामी, हाँ हरामी, बेरिश हरामी हो गया, देखो गिरा है, ठीक है, सो मतलब बेसिकली और कुछ नहीं, प्रॉफिट बुक हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है सर, 15 मिनट का चार्ट से क्या समझ में आ रहा है, प्रॉफिट बुक रहा, प्रॉफिट काफी काफी से मतलब बाई हो गया था, प्रॉफिट बुक, अब ये सब चीज धीरे धीरे डेवलप कर लोगे आप, उसमें मुझे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस का क्लास इसीलिए इतना जरूरी होता है कि आप उसको देखते रहो, समझते रहो, और आप देखना मतलब मतलब बहुत ही प्रॉपर डेवलपमेंट कर लो, तो ये हमारा मैंने जनरलाइजेशन किया, एक एक पुट ऑप्शन प्रॉफिटेबल तब तक होगा जब तक उसका स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस हाई रहेगा, जितना हाई जाएगा उतना अच्छा, और नीचे चला जाएगा तो लॉस हो गई, स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से बिलो चला जाता है, जैसे कि हमारा स्ट्राइक था 18,400, अगर 18,400 से नीचे चला जाता है तो आप लॉस में चला जाओगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, कॉल पुट सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है, एक पुट सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है सर, ये थोड़ा चिंता का विषय है, पुट सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, और क्या सर, और क्या जनरल पॉइंट यहां से आता है, एक पुट ऑप्शन सेलर कैन पोटेंशियली एक्सपीरियंस एन अनलिमिटेड लॉस एज एंड व्हेन स्पॉट प्राइस गोस लोअर देन द स्ट्राइक, हियर इज द जनरल फार्मूला यूजिंग व्हिच वी कैन कैलकुलेट पीएल फ्रॉम राइटिंग ए पुट ऑप्शन पोजीशन, फार्मूला याद रखें फॉर एग्जाम पर्पस आल्सो, जिनका NISM देना है, जिन्हें NISM का एग्जाम देना है या NSE का NCFM का एग्जाम देना है, फॉर्मूला याद ऐसे भी रखना है, जो एग्जाम नहीं भी देगा उसके लिए भी, क्यों, क्योंकि आपको ये फटाफट कैलकुलेट करना है डे टू डे बेसिस पे, ट्रेड लेने से पहले, बिफोर गोइंग टू ट्रेड यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द PL, सो प्रीमियम रिसीव्ड माइनस मैक्स, मैक्स जीरो, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो सिंपल है, दो रैंडम वैल्यू दिया गया है, आपका 18,400 का स्ट्राइक है, ओके 18,400 योर स्ट्राइक प्राइस, सिंपल मैथ्स है, 18,400 स्ट्राइक है, अगर मार्केट 16,510 में जाता है तो क्या होगा, और अगर मार्केट 19,660 में जाएगा तो क्या होगा, और आप कौन हो इस पर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर लिया कि आप पुट सेलर हो, क्योंकि हम लोग आज पुट सेलिंग पे बात करते हैं, तो अगर पुट सेलिंग है आपका, मतलब आप एक पुट राइटर या पुट सेलर बने हो, तो आपका सिंपल खेल बनेगा, आप सेल कर चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो, ठीक है, आपका सिंपल खेल बनेगा, 315 प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया, 18,400 का आपने स्ट्राइक चूज किया था, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट इज 16,510, 315 माइनस 1890, 1575 का लॉस, अब जितना लॉट साइज रहेगा उतना लॉस खा जाओ, सर बहुत मुश्किल है, हाँ सर मुश्किल तो है, लेकिन सर बात हुई ना, बार बार बोल रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न बहुत जरूरी है, चार्ट पैटर्न जरूरी है, आपका मार्केट के प्रति एनालिसिस बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत जोर का लॉस खा होगा, ठीक है, तुक्काबाजी ना करें, अच्छा 19660 अगर मार्केट चला जाता है
फूड सेलर के लिए एकदम अच्छा बात है सर, फूड सेलर प्रॉफिट करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है। 315 का प्रीमियम रिसीव किया, स्ट्राइक 18,400, स्पॉट 19,660, ठीक है 1260 का आ रहा है, तो 315 माइनस और इधर 1260, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव आएगा सर, ठीक है इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव आने के कारण क्या होगा, जैसे आपका इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन सर एक बात है कि इंट्रेंसिक वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट उतना ही करोगे जितना आपका, जितनी का आपका प्रीमियम रिसीव। तो क्लियरली 315 का प्रीमियम आपने रिसीव किया था एक फूड सेलर का, यही प्रॉफिट है बस। ब्रेकडाउन पॉइंट कहाँ होगा सर? 18,400 अगर मतलब आपका स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम रिसीव, अगर स्ट्राइक प्राइस है आपका 18,400, यहाँ से अगर आप 315 को माइनस करो, मतलब जितना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया, तो 18,400 आपका स्ट्राइक था। पॉइंट टू बी नोटेड सर, स्ट्राइक प्राइस से जितना प्रीमियम कलेक्ट करोगे उसको माइनस करो 315, तो 18,085, दिस इज योर ब्रेकडाउन पॉइंट। ब्रेकडाउन माने मतलब इस यहाँ पर आप जीरो लेवल में, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। मार्केट अगर 18,085 से 18,085 से जितना नीचे जाएगा आप लॉस में जाओगे, इसीलिए इसका नाम है ब्रेकडाउन, इसलिए इसका नाम है ब्रेकडाउन। 18,085 से जितना नीचे जाओगे उतना लॉस का सामना करोगे, और 18,085 में ना तो प्रॉफिट करोगे ना ही लॉस करोगे। लुक एट सर, सिचुएशन इज वेरी सिंपल। 315 प्रीमियम, फॉर्मूला लगाओ स्ट्राइक माइनस स्पॉट, 315 इधर आया, 315 इंटेंसिक आया, दोनों को कैलकुलेट करो, जीरो आएगा। बस कोई डाउट है सर कैलकुलेशन में? हेलो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? हाँ दादा, अगर किसी को बाद में रिवाइज करते वक्त कोई डाउट आता है आप मुझे जरूर पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ग्राफिकली अगर आप इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक पुट ऑप्शन सेलर का पे ऑफ स्ट्रक्चर ग्राफिकली जब पुट करोगे तो कैसे देखने में होएगा सर? वेरी सिंपल, आपका स्ट्राइक है 18,400, मैं किस पॉइंट को ले सकता हूँ, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जो हमारा स्ट्राइक था, मतलब इस स्ट्राइक पॉइंट पे मैंने चूज किया। सर कैसे चूज किया जाता है? सर वेरी सिंपल सर, मार्केट में जाओ, फॉर एग्जाम्पल क्या लो, निफ्टी में बात करें, जो भी स्ट्राइक लेना चाहते हो, आईटीसी में, आईटीसी का अगर मैं बात करूं, आईटीसी 398 चल रहा है ना, मैं अगर 380 चूज करता हूं एग्जांपल, या 390 चूज करता हूं, आईटीसी अप्रैल 390 कॉल ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप सेलर बनोगे तो सेल में क्लिक करना है, अगर बायर बनोगे बायर में बाई में क्लिक करना है, या आईटीसी में दिखाया 1600 क्वांटिटी है, इतना मार्जिन जमा करना है सर 1,29,937, सेल में क्लिक करोगे तो ट्रेड आ जाएगा। अब वेट करो एक्सपायरी के लिए, मतलब बीच में भी अगर आपको मौका मिलता है आप निकल सकते हो, ठीक है, मौका मिल जाता है मार्केट में, क्योंकि अगर आप सेलर बने हो उल्टा साइड में बायर भी एग्जीक्यूशन कर लेता। सो पॉइंट इज दैट कि सेल बाई में ज़्यादा कोई कुछ है नहीं सर, बटन का खेल है, सेल बाई करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जस्ट बटन का खेल है। अच्छा स्टॉप लॉस भी लगा जाता है, मैं आगे आके सिखाऊंगा, लेकिन पॉइंट यह है कि आप बायर बनोगे सेलर बनोगे जो भी बनोगे सब कुछ डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके सामने ऑलवेज ओपन रहेगा, आप कोई भी अमाउंट चूज करो, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करो, सिंपल सा खेल है। लेकिन पूरा खेल का जो मेन फैक्ट है वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करो, आप किस तरह से मार्केट को एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस सर, और कुछ भी नहीं। तो एक पुट ऑप्शन सेलर्स का जो पे ऑफ स्ट्रक्चर है, ऐसे यहाँ पर मैं ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ, 18,400 आपका स्ट्राइक लिया था आपने, अगर मार्केट आपको पता है कि पुट सेलर बनने के नाते आप बुलिश हो मार्केट के प्रति, या फिर फ्लैट, मतलब चेंजेस ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर बुलिश हो तो आपका ऐसा लग रहा है कि मार्केट 18,500 में जाएगा या 18,550 में जाएगा, तभी आप पुट सेलर बनेंगे, और पुट सेलर बनने के नाते प्रीमियम कलेक्शन इज योर प्रॉफिट। तो जितना मार्केट अप जाएगा प्रीमियम मैक्सिमम आपका प्रॉफिट है, जितना मार्केट नीचे जाएगा, जितना मार्केट बेयरिश होगा
उतना आपका लॉस, अनलिमिटेड लॉस। और इसीलिए सेलर बनने के टाइम पे, पॉइंट टू बी नोटेड, सेलर बनने के टाइम पे, ठीक है, सेलर बनने के टाइम पे आपको यही दिक्कत है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सी ही चूज किया था, आपको अगर पुट लेना है ना तो आपको यहाँ पर डी चूज करना है, आई टी सी 390 अप्रैल, अप्रैल 390 पी, देख रहे सर सीई भी है पी भी, ओके तो पी चूज करेंगे, पी बाय भी कर सकते हो, पी सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप करोगे तो ये पी सेलर बन जाओ, ITC का यहाँ पर पी सेलर का बोल रहे 99,000 का आपको मार्जिन जमा करना, इसमें प्रीमियम भी है और साथ में स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन भी कैलकुलेशन किया हुआ है, स्पैन और ये मार्जिन भी कैलकुलेशन किया हुआ, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट मार्जिन कैलकुलेशन आपको मैं फ्यूचर मार्केट में भी सिखा गया है, हो सके तो आप मार्जिन कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा फ्यूचर मार्केट में एक बार देखो, वहाँ पर स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन में मैंने काफ़ी सारा डिस्कशन करके रखा, चाहो तो कर सकते हो वापस एक बार। तो ये है पुट ऑप्शन सेलर का पे ऑफ स्ट्रक्चर, कि कब प्रॉफिट करेगा, कितना लॉस करेगा, दिस इज ऑल अब पुट ऑप्शन सेलर एक्सपीरियंस ए लॉस ओनली व्हेन स्पॉट प्राइस गोज बिलो स्ट्राइक। मार्जिन तो ये जमा करे बायर, तो करे तो बायर करे तो, हां बायर করবে সেলার নেবে, সেলার নেবে, তো ওখানে দেখাচ্ছিল যে সেলার নেবে, সেলার কে জমা করতে হবে দেখাচ্ছিল, हां সেলার কো अपना अमाउंट रखना पड़ेगा सर खरीदने के टाइम पे, लेकिन वो कैलकुलेशंस जो है वो कैलकुलेशंस के टाइम पे क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम सेल करोगे तो तुम्हारा मार्जिन नहीं रहेगा, मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम्हारा मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाकी तुमको जितना प्रीमियम मिलेगा वो तुम्हारे कलेक्शंस में जुड़ेगा, और जैसे ही तुम्हारा एक्सपायरी अपॉन एक्सपायरी जो सेटलमेंट होगा ना विश्व, उसमें वो एडजस्टमेंट कर देगा। आगे पढ़ेंगे सर, मार्क टू मार्केट वगैरह आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटलमेंट होता है ऑप्शंस, ठीक है जी, डोंट वरी, ऑप्शन सेटलमेंट सिखाऊंगा तो पता लग जाएगा क्या के सेटलमेंट कैसे, लेकिन आपको एक मार्जिन जमा करना पड़ेगा क्योंकि रिस्क इज देयर, सेलर के लिए भी रिस्क बहुत हाई है क्योंकि मार्केट में वो अनलिमिटेड लॉस खा सकता है, अब उसका लॉस का भुगतान क्या मार्केट करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसको ही करना है। सो लॉस इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड, देयरफॉर द रिस्क पुट ऑप्शन सेलर विल एक्सपीरियंस ए प्रॉफिट एज एंड व्हेन स्पॉट प्राइस ट्रेड्स अबव द स्ट्राइक प्राइस, बार बार एक ही बात चले, गेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव, जितना प्रीमियम रिसीव करेगा वही मैक्सिमम गेन होगा, ब्रेकडाउन पॉइंट 18,085, मतलब जितना स्ट्राइक वो चूज करेगा वहां से प्रीमियम कलेक्शंस को माइनस कर दो, स्ट्राइक अमाउंट से प्रीमियम कलेक्शंस को माइनस करोगे तो आपको ब्रेकडाउन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। हाउएवर एट दिस स्टेज ही गिव्स अप द एंटायर प्रीमियम ही हैज रिसीव्ड, देन ऑब्जर्व दैट ब्रेकडाउन पॉइंट एंड पीएल ग्राफ जो मैंने अभी अभी आपको शो किया, ये तो बस अभी बेसिक्स हैं, अभी आगे जाके जब आपको मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा ना तब आपको मैं और एडवांस लेवल में बात करूँगा, और भी बहुत सारा चीज सामने आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपका बेसिक डेवलप हो रहा है, ठीक है, यू शुड हैव गॉट द सेंस ऑफ पुट ऑप्शन सेलिंग ओवर द लास्ट फ्यू चैप्टर्स, मैंने कॉल भी बताया, पुट भी बताया, पुट सेलर, पुट बायर, कॉल बायर, कॉल सेलर, मैंने सारा बेसिक चीज आपको कवर किया। अब मैंने आपको धीरे धीरे गियर शिफ्ट करूंगा और एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे गो थ्रू करूंगा, मतलब आप ऐसा समझो कि आगे के क्लासेस से, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स धीरे धीरे हम लोग डेफ में चले जाएंगे, एक साथ ये सारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये देखो एकदम एट ए टाइम एक साथ इतना सारा ग्राफिकल स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे ग्रीक में जाना है, ऑप्शंस ग्रीक में जाना है, ठीक है, मनीनेस ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आता है, ATM OTM क्या होता है, ठीक है, ये सभी चीज धीरे धीरे बात करूंगा, इन दी मनी, एट दी मनी, मतलब ऑप्शन चेन को रीड करना सिखाऊंगा, ये जो इन दी मनी और एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे सारा बात को समझेंगे ताकि जिंदगी भर भी काम, ऐसा नहीं कि आज सीखना है और कल भूल जाना, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट एक ही बात, आज का क्लास मैं इतना ही रखूंगा, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप लोग एक बार ऑप्शन का जितना क्लास अभी तक हुआ है घर पे रिवाइज करें, क्योंकि जितना आप लोग रिवाइज करते रहोगे ना भूलोगे भी नहीं और हर चीज दिमाग में रहेगी, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो सर,
হ্যাঁ এটুকু তো করতেই পারে সবাই, একটু রিভাইজ করে নিস। ওকে বাকি কাল মিলতে হবে স্যার, আজ এটু নেই। ঠিক আছে বিশ্ব, পীয়ূষ, ধ্রুবা, সম্বল, সুমিত, বাধা, ওকে ওকে স্যার, বাই ফির টাটা, বাই 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 স্যার, বাই।